हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड अ रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है हाइडर इन माय हाउस। कहानी शुरू होती है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स के साथ, जिसमें हम एक कपल को देखते हैं झगड़ते हुए, वो भी अपने ही बच्चे को लेकर। डैनियल का कहना था उनका बेटा दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, वायलेंट और अग्रेसिव होता जा रहा है। कभी चलने के रास्ते कांच के टुकड़े बिछा कर रखता है तो कभी एक शेल्स। ये सब नॉर्मल नहीं है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ग्रेस को भी पता था ये बातें सच है, उनका बेटा ईथन सच में ही एबनॉर्मल है। उसने तो उन्हें भी हर्ट किया था कई बार, लेकिन एक माँ होके वो अपने ही बेटे को पागल खाने कैसे भेज सकती है? वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। इथन से वो प्रॉमिस करती है हर हालत में वो उसकी रक्षा करेगी, वो नहीं तो ये घर, ये दीवार ही उसकी रक्षा करेगी। इसके बाद कहानी 20 साल बाद शिफ्ट करती है उसी अपार्टमेंट में, मगर नए लोगों के साथ। पता चलता है अभी इस अपार्टमेंट की मालकिन एक मौली नाम की लड़की है। उसने रिसेंटली इस घर को खरीदा है और यहाँ वो अपने बहन बेला के साथ रहने वाली है। बेला को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था इतना पॉश लोकैलिटी में इतना बड़ा खूबसूरत घर उनका, मगर मौली उसे याद दिलाती है उसकी बहन एक बेस्ट सेलर नॉवल की ऑथर है, इतना तो वो अफोर्ड कर ही सकती है ना। वैसे भी उसे यह घर सस्ते में ही मिला था। अब सस्ता सुनते ही बेला को शक होता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, मगर मौली ध्यान नहीं देती। खुशी का माहौल है तो वो एंजॉय करना चाहती थी। दोनों एक साथ बाहर जाते हैं डिनर करने, तभी बातों बातों में हमें पता चलता है बेला एक लड़की से प्यार करती है, बहुत जल्द सेटल भी करने वाली है। मगर मौली को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बहाना देती है कि उसे अगली किताब लिखनी है, नए कहानी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मगर असली बात कुछ और ही थी। असल में उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे मौली अभी तक बाहर नहीं आ पाई, अभी तक किसी अनजाने पर भरोसा नहीं कर पाती वो। हर रात नाइटमेयर्स आते रहते हैं उसे, बहुत ही खतरनाक वाले। और वैसे भी वक्त किसके पास है, उसके एक्सक्यूजेस कम्प्लीटली छूट नहीं थे। उस पर वर्क प्रेशर सच में ही बहुत ज्यादा था, उसके एडिटर ऑलरेडी उससे नेक्स्ट बुक की डिमांड कर रही थी। उसके लाइफ में एक साथ इतना कुछ हो रहा था, शायद इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रही थी। मगर बेला पहली रात से ही उस घर में उसे कुछ अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। रात में अचानक किसी के फुटस्टेप से उसकी नींद टूट जाती है। ठंड भी बहुत लग रही थी और जब वो वॉशरूम जाती है, वहां कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। बेला समझ नहीं पाती आखिर हवा आ कहां से रही है। सुबह वो मौली से इस बारे में बात करती है, मगर मौली फिर से उतना ध्यान नहीं देती। उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक नया स्टोरी ढूंढना था, मगर पूरा दिन लैपटॉप की तरफ घूमते रहने से भी उसे कोई आइडिया नहीं मिलता। तो एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेटेड होकर वो निकल जाती है ग्रॉसरी शॉपिंग करने। घर लौटते वक्त उसके साथ एक हादसा होता है। उसे एक आदमी दिखता है जो उसे काफी देर से फॉलो कर रहा था। इस आदमी को बेला ने भी देखा था सुबह घर से निकलते हुए, वो उसके ऊपर भी नजर रख रहा था। पता नहीं इरादा क्या था इस बंदे का। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण ऐसे हालातों में मौली बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। इस बार भी वैसा ही होता है उसके साथ, लेकिन वो खुद को काबू करती है और उस आदमी से बचने के लिए एक बिल्डिंग के नीचे जाकर छुप जाती है। इससे उस आदमी से तो मौली का पीछा छूट जाता है, मगर हर बारी में वो जाके टकराती है एक दूसरे आदमी से। ये बंदा काफी डिसेंट दिख रहा था, हैंडसम भी, कोई क्रीपी स्टॉकर जैसा नहीं, और काफी अच्छा भी था। मौली को सामान उठाने में मदद करता है और उसके घर तक छोड़ने भी आता है, लेकिन मौली को कोई रिस्क नहीं लेना था तो वो उसे कंफ्यूज करने के लिए अपने घर की जगह एक दूसरे बिल्डिंग दिखाती है। मगर उसे पता नहीं चलता वो बंदा उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, उसे मौली का ट्रिक पता चल चुका है, मगर उसका इंटेंशन गलत नहीं लग रहा था। जब मौली इस हादसे को अपने बहन से शेयर करती है, उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। अपने फालतू इमेजिनेशन के वजह से उसने इतने क्यूट से बंदे को जाने दिया, वो कब तक ऐसे भागती रहेगी, डरती रहेगी, कभी ना कभी तो उसे आगे बढ़ना ही होगा ना। इस हादसे के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन एक रात अचानक बेला को फिर से अपने कमरे में किसी का प्रेजेंस फील होता है, जैसे कोई उसका ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रहा था। बेला जैसे ही लाइट ऑन करती है,
वो साया गायब हो जाता है। बेला इस बात सच में ही डर जाती है कि आई कोई सपना था। सपना इतना रियल हो सकता है क्या? मॉली उसे किसी तरह से शांत करके ऑफिस भेजती है और फिर खुद बैठ जाती है काम पे। आज उसे कुछ ना कुछ लिखना ही होगा। बहुत कोशिश करती है वो, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन कोई पोटेंशियल आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा था उसका। अचानक कहीं किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ से वो कांप उठती है। आवाज़ बहुत करीब से ही आ रही थी, लेकिन कहाँ से? घर में तो वो अकेली है। तभी बेला उसे कॉल करके बताती है वो आज घर नहीं लौट पाएगी, मतलब मौली को अकेले ही रहना होगा। तो वो खुद को ज़्यादा टेंशन नहीं देती, कुछ देर रिलैक्स करने की डिसीजन लेती है। बेला सच कहती है, कुछ ज़्यादा ही सोचती है वो, अपने घर में किस बात का डर। मगर जैसे ही वो नहाने जाती है, हम देखते हैं कोई उस पर नजर रख रहा है, एक पीप होल से उसके प्राइवेट मोमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। इस बारे में मौली को कुछ भी पता नहीं चलता, तो उसके जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करती रहती है, ये जाने बिना ही कि उसके घर में उसके अनजाने में कोई और भी रह रहा है। उस दिन एक बुक शॉप में उसका बुक साइनिंग प्रोग्राम था, जहां उसे फिर से वही बंदा मिलता है, काइल। पता चलता है वो उसका बहुत बड़ा फैन है, बहुत तारीफ करता है वो मौली की किताब की। साथ में अपना नंबर भी देते हुए उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, मगर फोर्स नहीं करता। अगर उसका जवाब हाँ हो तो वो काइल को कॉल कर सकती है, नहीं तो नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स। मौली को उसका ये अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसे डर तो लग रहा था। कहीं ना कहीं वो अभी भी तैयार नहीं थी, अतीत का साया उसका पीछा अभी भी कर रहा था। मगर बेला उसे समझाती है, कन्वेंस करती है खुद को एक मौका देने के लिए, एंड फाइनली मौली मान जाती है। वो काइल को कॉल करती है, डेट पर जाती है और साथ में उसे घर भी ले आती है। जब काइल को पता चलता है वो इस घर में रहती है, वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये घर पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। बीच बीच में कुछ लोग आए थे, मगर ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। हमेशा उनका कंप्लेन रहता था कि यहाँ अजीब हादसे होते हैं, आवाज़ सुनाई देती है, चीज़ें गायब हो जाते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी वो थी इस अपार्टमेंट की हिस्ट्री। पता चलता है ये किसी अमीर फैमिली का पेंट हाउस हुआ करता था, वही फैमिली जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। मगर एक दिन वो लोग अचानक से ही कहीं गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला कहाँ। कोई कहता है वो लोग देश छोड़कर भागे, तो कोई कहता है पिता ने अपने पत्नी और बेटे का खून कर दिया। मौली को ये सब कुछ भी पता नहीं था, उसके एजेंट ने कुछ बताया ही नहीं। वो हैरान तो होती है, मगर डरती नहीं। उस रात दोनों एक साथ उस घर में बिताते हैं। रात में ईथन को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करता है और एक शेल्फ के पीछे जाकर रुक जाता है। उसके पीछे एक हॉलो स्पेस था जिसे हवा आ रही थी, लेकिन वो मौली को इस बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करता, शायद वो उसे डराना नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे मौली का एक और बुक साइनिंग प्रोग्राम था, जहां उसकी मुलाकात फिर से उसी स्टॉकर से होती है। पता चलता है वो कोई स्टॉकर नहीं, असल में एक डिटेक्टिव है, जो उस अपार्टमेंट के मिसिंग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। काइल ने मौली को जो डिटेल्स दिए थे वो पूरा सच नहीं था, पूरा फैमिली गायब नहीं हुआ था। इथन के 20 साल होने तक वो लोग उसी घर में रहे। ग्रेस को कैंसर हुआ था, उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली। उसके गुजर जाने के बाद ही उनका पति और बेटा गायब हो गया। पुलिस का शक है इथन ने ही अपने पिता का खून किया है। उसे बचपन से ही बिहेवियरल इश्यूज थे, उसके माँ ने कभी उसे घर से निकलने नहीं दिया, होम स्कूलिंग करवाई, लेकिन उसके सिम्टम्स कभी बेटर नहीं हुए। उसका लास्ट रिकॉर्ड मिला था जब उसने अपने सेविंग्स अकाउंट से एक लार्ज अमाउंट विदड्रॉ किया था। उसके बाद उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, ना उसके पिता का। ऑफिसर मौली को रिक्वेस्ट करती है उस घर में अगर उसे कोई पुरानी चिट्ठी या फिर कोई क्लू मिले जिससे उन्हें मदद मिल सके, या फिर अगर उसे कोई आदमी दिखे घर के आसपास भटकते हुए, तो पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए। मौली को यह स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग लगती है। वो डिसाइड करती है अपनी नई किताब वो इसी पर लिखेगी, ट्रू क्राइम स्टोरी। वो घर जाके ही लिखना स्टार्ट कर देती है और अपने एडिटर को भी भेज देती है। बीच में काइल आता है खाना लेकर। मौली थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि गेट उसके परमिशन के बगैर नहीं खुलेगा और उसने कोई परमिशन दिया नहीं था। लेकिन काइल कहता है कि कोई अंदर आ रहा था, वो उसी मौके उसके साथ घुस आया, सिंपल। एक्चुअली में मौली का डर अभी भी नहीं गया, उसे सिंपल चीजें भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अभी भी।
उस रात भी उसे वही सपने आते हैं और इस बार वो सारी बातें कायल से शेयर करने की डिसीजन लेती है। कैसे उसके पुराने घर में एक आदमी घुस आया था, कैसे उसे बंदी बनाकर उसे डरा रहा था और कैसे बेला ने उसकी जान बचाई थी, सब कुछ। अल्टीमेटली उन्हें कुछ हुआ नहीं था, उनके चीखों से नेबर्स आ गए थे और वो गुंडा भाग गया था, मगर तब तक मौली के दिल और दिमाग में वो डर बैठ चुका था। उसके बाद पूरे 4 साल तक वो घर से निकलने से ही डरती रही। कायल से मिलने के बाद उसे लगा शायद वो अपने डर को ओवरकम कर पाई है, लेकिन नहीं, वो यादें बस कुछ समय के लिए दब चुके थे, मिटे नहीं थे। राइटिंग उसके लिए एक थेरेपी की तरह काम करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर फोकस करने की डिसाइड करती है। उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही थी, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। लेकिन जब कायल को इस बारे में पता चलता है, वो उसे वार्न करता है कहीं ये कहानी उसके नाइटमेयर्स को ट्रिगर ना करे, मगर मौली ये करना चाहती थी, क्या पता यही उसका इलाज हो। उसके एडिटर को भी उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ये डेफिनेटली एक बेस्ट सेलिंग बुक होने वाला है, लेकिन ट्रू क्राइम स्टोरी होने के नाते हर एक फैक्ट डिटेल्स में कवर करना ज़रूरी है, मतलब ढेर सारा रिसर्च, वो भी ऐसे केस पर जो अभी तक मिस्ट्री है। मौली उसी रात से काम पे लग जाती है और उसे पता चलता है एक लेडी गेल के बारे में। वो डैनियल के मिस्ट्रेस हुआ करती थी, डैनियल ने ये घर उसी के नाम कर दिया था, अपने बेटे का नाम नहीं, स्ट्रेंज ना। तो जब वो दोनों ही गायब हो गए, गेल ने ये घर बेच दिया मौली को, उनका डील एजेंट के थ्रू हुआ था, मौली उनसे कभी मिली नहीं। देर रात तक मौली मिसिंग लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करती रही, तभी घर के सन्नाटे में कहीं से उसे फ्लोरबोर्ड्स क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है, एज इफ पास वाले रूम में कोई चल रहा हो, लेकिन घर में तो वो अकेली है। मौली उस आवाज को फॉलो करती है और फाइनली जा पहुंचती है उस शेल्फ के पास जिसे कायल ने देखा था। मौली जैसे ही उसे उठाती है, पीछे से निकल आता है एक बहुत ही बड़ा गड्ढा, एक्चुअली अ क्रॉल स्पेस। अंदर जाने की हिम्मत मौली को नहीं होती, वो कायल को कॉल करती है और सब कुछ देखकर कायल कहता है मे बी ये बिल्डिंग का कोई डैमेज्ड पोर्शन होगा जिसे वॉल से कवर किया गया है, ओल्ड बिल्डिंग्स में ये बहुत ही नॉर्मल है। वो टॉर्च से अंदर झांकता भी है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता, मे बी सीलिंग का कोई हिस्सा टूटकर गिरा होगा, मौली ने उसी की आवाज सुनी होगी। वो एक पैच बोर्ड से जगह को सील कर देता है और बाद में परमानेंट रिपेयर करने का प्रॉमिस भी करता है। मौली और इस तरफ ध्यान नहीं देती, वो मिलने जाती है गेल से, शायद कोई क्लू मिल जाए, मगर ऐसा होता नहीं, गेल भी उसे वही बताती है जो सबको पता था। मौली को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, मगर वो चुप नहीं बैठती, उसका दिल कह रहा था इस घर के मिस्ट्री उसी होल से जुड़ी है, वहां उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वो हिम्मत जुटाती है और अंदर जाती है, और अंदर जाते ही उसे जो दिखता है उससे उसका होश उड़ जाता है। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसकी हालत देखकर लग रहा था वहां कोई सालों से रह रहा है, बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारा पैसा और वो सारे सामान भी पड़े थे जो रिसेंटली मौली के घर से गायब हुई थी। मौली को वहां एक एम्प्टी एलिवेटर शाफ्ट भी दिखता है और कुछ होल्स भी जिसके जरिए उसके बाथरूम के अंदर देखा जा सकता है। मौली को समझने में देर नहीं लगती, यहां से कोई उसके प्राइवेट मोमेंट्स को ऑब्जर्व करता है। उसे एक पैसेज में मिलता है साथ में जो असल में बेला के रूम का एयर डक्ट है। यहाँ से घर में घुसना तो बहुत ही आसान है और इसीलिए उसका कमरा हमेशा इतना कोल्ड रहता है। सब कुछ देखकर मौली ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परप्लेक्स्ड हो चुकी थी, ऊपर से जब उसे किसी की आवाज आती है डर से सहम जाती है। वो कायल को कॉल करती है मदद के लिए, मगर फोन बजता है उसके बिल्कुल पीछे, क्योंकि कायल बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। उसने जिसकी आवाज सुनी थी वो और कोई नहीं, कायल ही है। कायल ही ईथन है जो सालों से उस हिडन सेक्शन में रह रहा है, इसीलिए ही तो उसे कभी इस घर में आने में वक्त नहीं लगता था। जब भी मौली उसे बुलाती थी वो कुछ ही मिनट में आ जाता था और बहाना देता था कि वो बस पास ही था। कायल कहता है उसे गेल के बारे में पता था, उसके पिता उसके साथ सेटल करना चाहते थे, उसे पागलखाने भेजना चाहते थे और इस घर को बेचकर कहीं दूर जाना चाहते थे, मगर उसने कभी इस घर से बाहर कदम नहीं रखा था, वो इसे कैसे जाने दे सकता था। तो उसने अपने पिता को ही मार डाला
और गुस्से में दीवार पे घूंसा मारते ही किस्सा टूटकर अंदर का डैमेज्ड पोर्शन रिवील हो गया। वहीं पर पहली बार काइल को इस हिडन सेक्शन के बारे में पता चला। उस एलिवेटर शाफ्ट के नीचे एक ड्रेनेज सिस्टम भी है बेसमेंट में, वो भी उसे पता चला। वहां कोई नहीं जाता, तो लाश को छुपाने की इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। तो उसने लाश को वहीं फेंक दिया और दीवार को रिपेयर करके खुद रह गया उसके अंदर छुपकर। ऐसे वो उस घर में रह पाया और दुनिया की नजरों से गायब भी हो पाया। जब मौली आई इस घर में, पहले दिन से ही वो मौली पर फिदा हो चुका था। उसके साथ घर को शेयर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यार करता है वो मौली से। मगर मौली का प्यार गायब हो चुका था। वो इस साइको के हाथ से बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। किसी तरह उसे चकमा देकर बाहर लॉक करके खुद उस होल में जाके छुपती है। लेकिन उसे पता नहीं था उसकी बहन उसी वक्त घर वापस आएगी। जैसे ही बेला घर में एंटर करती है, काइल उसे पकड़ लेता और खींच कर उस एलिवेटर शाफ्ट के पास ले जाता है। यहाँ से अगर वो गिरेगी, उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अपने बहन को ऐसे हालत में देखकर मौली को बाहर आना ही पड़ता है, मगर उसे खुद को भी बचाना था, तो वो एक प्लान करती है। काइल को क्या चाहिए उसे पता था, वो उसे वही देने का प्रॉमिस करती है। वो कहती है ये घर वो दोनों शेयर कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर काइल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बेला को छोड़ देता और खुद भी रिलैक्स्ड हो जाता है। और मौली इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी। जैसे ही काइल उसके पास आता है, मौली उसे धक्का दे देती है और वो जाके गिरता है उस एलिवेटर शाफ्ट में। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस को ड्रेनेज से ही डैनियल की लाश मिल जाती है। सारे मिसिंग लिंक्स जुड़ चुके थे। फाइनली सालों बाद ये केस सॉल्व हो पाया था, वो भी सिर्फ मौली की मदद से। इससे सिर्फ उन्हीं का फायदा नहीं होता, मौली को भी अपनी कहानी पूरा करने की मटेरियल मिल जाती है। उसके किताब को फिर से एक बार बेस्ट सेलिंग टैग मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज आती है उसके लाइफ में, वो है उसका डर खत्म हो चुका था। उसने अपने पास्ट लाइफ को ओवरकम करना सीख लिया था। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी तो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है, ऊपर से ये रियल स्टोरीज से इंस्पायर्ड भी है। मगर कोई पर्टिकुलरली एक स्टोरी नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स को मिलाकर इस फिल्म को बनाया गया है। जो भी हो, मुझे तो ये फिल्म काफी अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।